राजेश खन्ना जैसा मंझा हुआ सुपरस्टार आज तक बॉलीवुड में नहीं हुआ। लगातार 15 सोलो हिट देने वाले इस एक्टर की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी थी। इनके पीछे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। ये बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। डिंपल कपाड़िया से शादी के बाद कई एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जुड़ा। इनकी अफेयर्स की भी जमकर चर्चा हुई। अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ भी इनका नाम लंबे समय तक जुड़ा रहा, लेकिन संजय दत्त इस रिलेशनशिप में विलेन बनकर आ गए। हालात तो ऐसे हो गए थे कि अपने एक्स के गम में संजय दत्त राजेश खन्ना को पीटने फिल्म की सेट तक पहुंच गए थे। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा सुनाएंगे, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल ये वो दौर था जब टीना मुनीम और राजेश खन्ना की लव लाइफ बॉलीवुड में काफी चर्चित थी। राजेश खन्ना के साथ टीना मुनीम के रिश्ते की खबरों ने संजय दत्त को काफी परेशान कर दिया था। वो राजेश खन्ना से इतने नाराज हो गए थे कि उन्हें पिटने के लिए महबूब स्टूडियो पहुंच गए थे। इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने अपनी बायोग्राफी में किया था। संजय दत्त ने अपनी किताब संजय दत्त द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान उन्हें टीना मुनीम से प्यार हो गया था, लेकिन उस दौरान ड्रग की लत जैसे विवादों में नाम आने के कारण टीना मुनीम उनसे अलग हो गई। उसी दौरान राजेश खन्ना के साथ टीना मुनीम की फिल्म सौतन रिलीज हुई। लोगों को उनकी जोड़ी काफी पसंद आई, साथ ही दोनों के रिलेशनशिप की खबरें भी सामने आने लगी। उनके रिश्ते की खबर सुनकर संजय दत्त काफी परेशान हो गए थे। संजय ने अपनी बायोग्राफी में टीना मुनीम के बारे में खुलासा करते हुए कहा, पूरी दुनिया जानती है कि वह सबको बेवकूफ बनाती है, लेकिन मैंने एक अंधे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और यहां तक कि उसका बचाव भी किया। संजय दत्त ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि जब टीना से मेरा रिश्ता खत्म हुआ तो उसका नाम राजेश खन्ना से जोड़ा जाने लगा। मुझे लगा कि मेरा इस्तेमाल किया गया है और सब मुझ पर हंस रहे हैं। संजय दत्त ने खुलासा किया कि इसके बाद एक्टर ने राजेश खन्ना को पीटने का फैसला किया। उस वक्त काका महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। संजय दत्त ने आगे कहा, जब टीना मुनीम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस गुस्से में था, मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कसम खा ली थी कि मैं उन्हें पीटूंगा। वो एक कुर्सी पर बैठे थे और मैं महबूब स्टूडियो पहुंच गया। मैंने एक कुर्सी ली और उनके सामने बैठ गया। मैं लगातार उन्हें घूर रहा था। मेरा ऐसा बर्ताव देखकर राजेश खन्ना भी हैरान रह गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त कुछ नहीं कर पाए और बिना कुछ कहे ही सेट से वापस चले गए। जब संजय के पिता सुनील दत्त को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने संजय को समझाया और राजेश खन्ना से एक्टर की हरकत के लिए खुद माफी मांगी थी। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।